कब से यहाँ हाथ फैलाए खड़ा था। लो, दुआ कबूल हो गई और मेरी झोली भर गई। ये दुआ फिलहाल कबूल नहीं होने वाली। हर चीज का एक सही वक्त और मकाम होता है, और इस वक्त मुझे इस मकाम की मरम्मत करनी है, वरना आफत सर पे टूट पड़ेगी। नीचे उतरो। अरे ये क्या कर रहे हो? उतरो ना। शादी कर लो मुझसे। क्यों? ताकि तुम मेरी हो जाओ। मैं तो हूं ही तुम्हारी। ताकि तुम हमेशा मेरी रहो। डरते हो कि मेरी नजर ना बहक जाए? हाँ। और तुम्हें लगता है कि एक सामाजिक रिवाज का बंधन मेरी दिल की गवाही से ज्यादा मजबूत है? मेरी प्यारी मजबूत जीनत, तुम इसे जो चाहो समझो, मेरी कमजोरी या फिर मेरी बुजदिली। लेकिन अब मैं इस छुपा छुपी से तंग आ गया हूं। जानता हूं कि जमाने का डर मेरा था, तुम्हारा नहीं, लेकिन अब बहुत हो गया। कल मैं सऊदी जा रहा हूं, मुझसे शादी कर लो। सही वक्त, सही मकाम। ये चला जाए फिर तू भी हमारे साथ इस मंदिर को चढ़ना, बड़ा सुंदर है। जी ससुर जी। जिधर कुलदेवी तुझे तेरी यात्रा में सुरक्षित रखे बेटा। मेरी लस्सी कहाँ है? कभी बिना मांगे मिल सकती है? मैं लेके आता हूँ। उसे इतना मत बिगाड़ जोरू का गुलाम। मैं आमिर खान, तुम जीनत फातिमा से निकाह करना चाहता हूं। मेहर में ये पाली हूं और मेरा दिल देता हूं। मैं जीनत फातिमा तुम्हारा निकाह कबूल करती हूँ, मेहर में लेती हूँ ये बालियाँ और तुम्हारा दिल, तुम्हारी जान, तुम्हारी रूह। मेरी जान, मेरी रूह।
रो मत, मेरा जाना और कठिन ना बनाओ। दर्द मेरा है, जैसे चाहू वैसे झेलू। तुम्हें पता है मैंने क्या मांगा? कि ये सूरज कभी ना डूबे, ये दिन कभी ना ढले। हाँ, तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारे मन की बात जो सुन सकता हूँ। अच्छा, तो अब मैं क्या सोच रही हूँ? यहाँ नहीं। नाम रोशन, सेहत का जरूर ध्यान। जी पिताजी, पायल। जीते रहो, जीते रहो, पायल। अपना ख्याल रखना और खत लिखते रहो। जी जरूर। और जो पैसे भेजते हो ना, वो पैसे खुमानपुर के पोस्ट ऑफिस को मत भेजना। और ठीक तरह से खाना। हाँ, और पैसे भेजने को बोला। ठीक, अपनी तबीयत संभाल। जी जरूर, अपना ख्याल रखना। भाईजान जरा संभाल के रखिए। देखिए, लिटा दीजिए आराम से, आराम से। हमें खुदा हाफिज कहने का मौका दिए बिना ही जा रहे थे बेटा। आपने चारा ही क्या छोड़ा अबू? शादी करने से पहले हमारी इजाजत तो मांग लेते आमिर। अम्मी, इसी इजाजत के इंतजार में मैं अपने 2 साल गवा बैठा। जरा यहाँ आइए। सलाम अलैकुम। अब्बू, अम्मी, ये है जीनत, आपकी बहू। अब या तो आप इस हकीकत को गले लगा लें, या फिर अपनी नफरत में इसे ठुकरा दें। आप तो जानते ही हैं कि ये इसे दोनों सूरतों में मंजूर है। हाँ, जानते हैं। तो फिर अपना फैसला भी सुना दीजिए। ये जल्दबाजी कैसी? अब्बू, सीधी सी बात है, हाँ या ना? ठीक है, तो फिर मेरी खबर मेरे लौटने पर ही लेना। फोन और चिट्ठी सिर्फ जीनत को आएंगे। इतने सख्त न बनो बेटा। अम्मी, क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितनी सख्ती से पेश आती रही है हमारे साथ? अपना ख्याल रखना और पहुंचते ही खत लिखना।
आखिरी आंसू जब तक लौट के नहीं आओगे मैं नहीं रोऊंगी। सोचता था कि खुदा तुझको बनाया क्यों कर, अब तो बस शुक्र अदा करता हूं हर दम उसका। ये सब मुझे चिट्ठी में भी जरूर लिखना मेरे शायर। समझना कि इसमें मैं बंद हूं, मुझे संभाल के रखोगी ना। ठाक भाई हो? हेलो हेलो, अरे उधर को ना पलट वरना कनेक्शन टूट जाएगा। हेलो, अच्छा हेलो 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 मेरी जान। कैसे हो? फर्स्ट क्लास। और तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हो ना? हर महीने क्या यही सवाल करोगी? हाँ? मैं बस चाहती हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनती रहूँ, अपनी आज़ादी की आवाज़। तुम सुनती रहोगी तो मेरा क्या होगा? फंसा हुआ हूँ धूल और धूप के बीच। वैसे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, लेकिन अपनी आवाज़ सुनाती रहो। समय समाप्त। मेरा नाम लो। तुम्हारी ओर आ रहा हूँ मुझे। हाँ। मेरा नाम मीरा। बस अब अगले महीने फोन करूंगी। अपना ख्याल रखना। अभी तो 10 सेकंड बचे थे, कुछ और क्या सुन लेती। आती रहना हाँ, वरना मेरा तो धंधा ही डूब जाएगा। और कितने महीने? बस 3-4 महीने की बात है। इस महीने खाना करेंगे। चंद महीने और फिर ये पुरखों की हवेली हमें वापस मिल जाएगी, उसके साथ हमारा सम्मान भी। दिल पर पत्थर रखकर इसे किराया भी दिया। बड़ा घनिष्ठ संबंध है पुरुष के सम्मान का उसकी हवेली उसके घर के साथ, और आज ये जो खुशहाली आई है उसका कारण तू है बहू, तू है। मैंने क्या किया है? कमाई तो आपके बेटे की है। मेरा बेटा जितना उधार पिछले 6 महीनों में चुकाया होगा उतना हम पिछले 5 वर्षों में भी नहीं कर पाए थे। सो तो है, लेकिन ये घर की लक्ष्मी बनकर आई है ना। ब्याह से पहले निकम्मा था तुम्हारा लाडला। वालेकुम सलाम। अम्मी आप किसी को यहाँ काम पे रख लीजिए। कितनी बार समझाया है मैंने आप लोगों को, इन बूढ़ी हड्डियों को अब कुछ मदद की जरूरत है। यकीन नहीं होता कि तुम्हें पहचानने में हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी।
कोई बात नहीं अबू, मैं भी तो आप दोनों को बड़ा बदमिजाज, कंजूस, बदहाल, घमंडी और कड़ू समझती थी। बेटी थोड़े से पैसे तुम भी रख लो, मेरी तनख्वाह मेरे लिए काफी है। तुम जानती हो कि इसकी हकदार तुम भी हो। हाँ, लेकिन इसकी जरूरत मंद नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। वो मेरा और शंकर का कमरा होगा। और इधर कौन रहेगा? इधर राज रहेगा और यहाँ सासु जी रहेगी। और इधर? इधर तुम रहोगे। केसरिया तो यहाँ है नहीं। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। भाई से ऐसी लापरवाही तो पहले नहीं हुई। अगले महीने पैसे दे दूंगी, इतना तो विश्वास है ना? ना, विश्वास तो है। तो फिर बस एक मिनट। चल कोई ना, कर ले। हेलो, मैं मीरा बोल रही हूँ। शंकर सिंह से बात कर सकती हूँ? एक बार फिर बताइए जी। जी ठीक है। Oh,
आमिर को किसी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, सजा दी गई है, सजाए मौत। हमें अकबर मियां की सलाह ले लेनी चाहिए। इमाम साहब से इमाम साहब कोई ऐसा रास्ता बताइए जो हमारा बच्चा साफ। अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह ही मददगार है। आप पीर बाबा के मजार पर जाकर चादर चढ़ाएं। मैं भी अल्लाह से दुआ जी। क्या आप आमिर खान के पिता हैं? जी हाँ। नटराजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आया हूँ, दिल्ली से। सारी डिटेल्स तो हम भी नहीं जानते हैं, पर इतना पता चला है कि आमिर और उसके साथ जो रहता था शंकर, दोनों में कुछ बहस हुई। शंकर बालकनी से गिर गया, शायद आमिर ने धक्का दिया। 10वें माले पर रहते थे। मगर उन दोनों की तो अच्छी बनती थी, आमिर ने मुझे शंकर के बारे में लिखा भी था। करेक्ट, उसके पड़ोसी भी यही कह रहे थे। तो फिर ये यकीनन एक हादसा था। मुझे भी यही लगता है। बड़ी मुश्किल से 2 मिनट बात हुई आमिर से पिछले हफ्ते, और वो भी यही कह रहा था। तो हम उसे जेल से छुड़वा सकते हैं ना? आप वहाँ की पुलिस को बोलिए कि आमिर बिल्कुल बेकसूर है। उतना आसान नहीं है, वहाँ कोई और गवाह भी नहीं था, सिर्फ आमिर का बयान है। आमिर एक ट्रक ड्राइवर है और उसकी जिंदगी सौदा करने लायक नहीं। मैम, ऐसी खबरें नॉर्मली लोकल पुलिस आपको देती है। मैं खुद आया हूँ छुट्टी लेकर। शुक्रिया आपने जहमत की। क्या मैं आमिर से बात कर सकती हूँ? हमें यह भी नहीं मालूम वो किस जेल में है। उसे 2 महीने में सजा दे दी जाएगी। 2 महीने? वैसे तो आमिर भी होता था उधर के कानून। देखिए, मैं आपकी उम्मीद बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन शायद एक रास्ता है। सऊदी कानून के अनुसार अगर विधवा अपने पति के कातिल को माफ कर दे अगर शंकर की पत्नी इस माफीनामे पर दस्तखत कर दे तो आमिर की जिंदगी बच सकती है। खुदा का शुक्र है। तो फिर हम फौरन ये कागजात उसे भेजेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमें यह भी नहीं मालूम कि वो रहती कहाँ है। शंकर राजस्थान का निवासी था, पर उसके पासपोर्ट पर एड्रेस नकली है। यह आमतौर पर होता है। हम छानबीन कर रहे हैं, वक्त तो लगेगा, लेकिन हमारी सरकार बातचीत कर रही है सऊदी सरकार से। वक्त लग सकता है? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। आप कायदे कानून जानते हैं, क्या कुछ नहीं हो सकता इसके बारे में? सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राजस्थान बड़ा स्टेट है, डिपार्टमेंट से लोग गए हुए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे इतना बड़ा स्टेट भी नहीं है, कहीं ना कहीं बस उसकी दस्तखत। कहाँ चली? उस औरत को ढूंढने। कैसे? नहीं मालूम, इतना जानती हूँ कि वह राजस्थान में रहती है। और वहां जाओगी कैसे? नहीं मालूम। जिसे अपने ऊपर इतना भरोसा है उसे इतनी सारी बातें नहीं मालूम। इतना मालूम है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। मेरी जान हर बार हर बात उस पर नहीं छोड़ी जा सकती, इसलिए तो खुद भी जा रही हूँ। लेकिन उसे ढूंढोगी कहाँ?
मेरे पास आमिर और शंकर की एक तस्वीर है। राजस्थान इतनी बड़ी जगह है, एक तस्वीर लेकर क्या हर दरवाजा खटखटाओगी? यहाँ हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई और मालूमात उसके बारे में? और यकीनन तुम्हें अभी इसी वक्त रवाना भी होना है। हाँ। पता नहीं खुदा तुम्हें बनाते वक्त क्या सोच रहा था। आमिर भी यही कहा करता था। अब तक तो सारी बसें भी जा चुकी होंगी, क्या कल तक इंतजार नहीं हो सकता? एक लम्हा भी और ठहरूं तो लगेगा कि मैं आमिर को मौत की ओर धकेल रही हूँ। इन कागजात पर दस्तखत कराए बिना मैं नहीं लौटूंगी बेग साहब। ठीक है, चलो मेरे साथ। कोने मेरा कुत्ते। छोटी फुलझड़ी। अब तो बड़ी फुलझड़ी। जिंदर पुत्र तेरे नाल कम है जरूर, पर पहले पेट पूजा पादिश कम दो जा। वो बेग साहब एक गोश पुलाव जाए। चल। बेग साहब तुम जानते हो ये तो बिल्कुल पागलपन है। और ये लड़की भी तो पागल ही है। राजेंद्र अगर कोई ये काम कर सकता है ना तो यही है। Thank you.
बड़ा अफसोस, मैं तेरे नाल नहीं रह सकता, मैंने एक डिलीवरी करनी है। आपने जो कुछ भी किया उसका बहुत शुक्रिया। खैर ना जा छोटी, वो रब चाहे तो तेनू वो कुड़ी जरूर मिल जाएगी। ढूंढ तो निकालूंगी उसे, मैंने पूरा विश्वास है। रब रखा छोटी, चंगा, सत श्री अकाल। अच्छा अफीम खत्म हो गई है। गौरी, राज को कुछ पैसे दे दो। जी, मेरे पास नहीं है। घर में चार पैसे नहीं है? चोपड़ा जी से अगले महीने का किराया मांग लूं? कोई जरूरत नहीं, भीख नहीं मांगेंगे। मेरा बेटा होता तो आपका खलन कभी खाली ना होने देता। कभी नहीं। अगर चंद सिक्कों के लिए उसे पराये देश को ना भेजा जाता तो ये दिन ना देखने पड़ते। मैं एक ज्योतिषी हूँ। वो तो शक्ल से ही लग रहा है। अब चलिए यहाँ से। अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको क्या चाहिए तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या चाहिए तुम्हें? देने को पैसे नहीं है मेरे पास। भोजन तो बांट सकती हो। ठीक है, बताओ। सुनो, आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तुम एक तलाश पर निकली हो, कुछ खोज रही हो। हर इंसान कुछ ना कुछ खोज रहा है। तुम जिस तलाश पे हो जा रही वो है कन्या, एक नारी। और बताओ। दूर से आई हो, थकी हो, हारी, एक बड़े से वाहन में, शायद एक लॉरी। धन्यवाद। मेरा भविष्य? तुमने मुझे सरदार की लॉरी से उतरते हुए देखा ना? इस नाटक से तुम लोगों को उल्लू बना लेते हो? कभी कभी। दरअसल मैं एक बहुरूपिया हूँ। क्या हो? बहुरूपिया तो हमारे बिरादरी के लोग गांव शहर घूमते और भेस बदल कर लोगों को धोखा देते हैं। नहीं नहीं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। तुमको तो एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। अरे नहीं नहीं मैडम, क्या कहती हो, मुझ जैसा कलाकार नहीं। अरे गीत सुना सकता हूँ दादरा, गिन के पूरे बारह मातरा, चाहे नमूना देख लो गावलो, मस भी तैयार है, बसंत भी तैयार है, मतलब मरना कैंसर। ए ये धरती मेरी माँ है सर, इसने मेरी माँ को गाली दी है सर, मेरी माँ को। ए चड्डा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। ए सर्किट, तेरे को मालूम है क्या रे, अपने बॉडी में 206 टाइप की हड्डी होती है, तोड़ते टाइम अपन सोचते हैं क्या रे, हा? देखो बारिश हो रही है, इट रेनिंग इट रेनिंग इट रेनिंग, जल्दी बना बिन सजना के माने ना, जन को देखो ना जो, जन को देखो ना जो, एक बार ना जो, मान गई, जबरदस्त एक्टर हो। धन्यवाद, अब मैं चला। किसी और को बहकाने? भोजन के लिए धन्यवाद, भगवान चाहा तो फिर मिलेंगे। अल्लाह, मेरा बैग।
क्षमा कीजिए, आग लग गई थी। मैं अभी आपकी लस्सी। रणधीर के पिता का जब स्वर्गवास हुआ तो मेरा भी यही हाल बना। जीते जागते इंसान को एक पल में बेजान निर्जीव कठपुतली बना दिया जाता है। मेरे बेटे तक ने मुझे पराया कर दिया। आप मेरे साथ हमेशा इतनी कठोर क्यों थी दादी माँ? जलती थी तुझसे बेटी, उस जिंदगी से जो कभी मेरी ना बन सकी। तेरा और शंकर का प्यार खटकता था। इतनी अजीब बात है कि हम औरतें भी कभी एक दूसरे का साथ नहीं देती, तो फिर मर्दों से क्या उम्मीद रखी जाए? मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। याद तो वो हम सबको आता है बेटी। सब मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, जानती हूँ। मुश्किल होगा किसी और को अपने घर में अपनी जगह रहते हुए देखना। आपको कुछ अंदाजा ही नहीं, इतना करीब था मैं, इतना करीब। चंद दिनों में ये हवेली मेरी होती, लेकिन शंकर को जाकर तभी मरना था। उस दिन मैं एक साथ सब कुछ खो बैठा चोपड़ा साहब। मेरा बेटा, मेरी हवेली, मेरी मर्यादा। आपको मैंने कितनी बार कहा है हवेली को होटल बनवा दीजिए। कोई अपनी आबरू अपनी इज्जत बेचता है? मैं आपको बस कुछ दिनों के लिए एक किराए पे दे रहा हूं। एक दिन मैं ये हवेली वापस लेकर ही रहूंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। अब आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। आपकी मदद कर दूं? जी जरूरत नहीं है। यहां पे नहीं लगती हो? ये जगह अजनबियों के लिए खतरनाक हो सकती है। मैं ख्याल रखूंगी, शुक्रिया। अब जब आई गई हो तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी।
थाने से भागे क्यों तुम? अच्छा हुआ आपने इसे ढूंढ निकाला, काफी देर से इसकी तलाश कर रहा हूँ। झोलापुर के पुलिस थाने से भाग आई है। लेकिन झोलापुर का पुलिस स्टेशन तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। पर क्या करे, आजकल लड़कियां भी तो बड़ी तेज हो गई है। इतनी सी उम्र में इंस्पेक्टर कैसे बने तुम? यही समझाऊं कि ठाणे चल के प्रमोशन करूं? नहीं सर। फूट ले साले, वरना तुझे और तेरे इस टटपुंजे दोस्त को 5-5 साल के लगा दूंगा। इसकी जीभ तो कहीं दिखाई नहीं, चूजे देखे थे उसके? ये आमिर तुम्हारा पति है? और तुम उसकी तलाश में आई हो? वो कागजात माफीनामा है? अच्छा, पढ़ सकते हो? कोई झंझट में फंसा है क्या? तो साफ बताओ ना। क्यों? तुम बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। उस पे भरोसा करूं जो मेरा सब कुछ चुरा के भाग गया? अरे चुराया होगा लेकिन भागा कहां? एक एक कौड़ी वापस ला दिए, देख लो। सुनो, अब जो हुआ बुरा हुआ, माफ कर। जो कुछ भी तुम ढूंढ रहे हो, मैं बस उस तलाश में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। ये तो मेरे लिए क्यों करोगे? क्योंकि आजकल कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम एक अजनबी शहर में एक अजनबी हो, क्योंकि मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ, और क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। अभी तो चोर थे, इतने दरिया दिल कैसे बन गए? क्योंकि किसी के काम आने के मौके जब मिलते तो उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। अच्छा डायलॉग। इसे कहाँ से चुराया? ताना दे रही हूँ। ठीक है। तो अब पूरी दास्तान समझ में आई। तो हमारे पास उस फोटो को छोड़कर और क्या है? और भी तो कुछ होगा ना। अरे कौन पागल इतनी दूर एक फोटो के सहारे आता है? मैं। एक फोटो? एक फोटो लेकर हम कली कली घूम कर हर द्वार खटखटाएंगे और 10-20 साल के बाद उसे इंसान को ढूंढ निकालेंगे जिसे दुनिया कहती है शंकर। ये क्या है? जो चुप रहेगी जवाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। इस दीवार पर लगी फोटो देख रही हो? जानी पहचानी जगह लगती है, पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। चलो मेरे साथ। आदमी तो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचता चला रहा है, और अब इसको पकड़ना हम सबकी जिम्मेवारी हो गई है, क्योंकि ये बचता चला रहा है हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और इसका एक बड़ा सा ब्लॉक कर दीजिए, इसकी फोटो हम चारों तरफ लगा देंगे। आप एक फोटो हर जगह लगाएंगे, इसकी कॉपी नहीं चाहिए? स्मार्ट हैं आप। हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका एहसानमंद है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरा देश आपका एहसानमंद है। और यहाँ इस हिस्से को बड़ा करना है। दाई, 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 दाई।
सर। बढ़िया, इसके पैसे तो आपको मिलकर ही रहेंगे। आप बस हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइए और एक कार्ड दिखाकर हाईग्रीव सिंह का नाम ले लीजिए, वो फौरन आपको चेक काट कर दे देंगे। नहीं, आप बिल्कुल मना नहीं करेंगे। धन्यवाद। मेरा शक सही निकला, नीलेघर जोधपुर। चलो चलो। अरे बाबा मेरा यकीन करो, वो जोधपुर है, मैं जानता हूँ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। चलो चलो, अभी आधा घंटा लगेगा बस स्टैंड जाने में, फिर आधा घंटा लगेगा बस को आने में, फिर आधा घंटा लगेगा दूर जगह जाने में, यहाँ से दूसरी बस मिले, मैं ले चलता हूँ। उस जगह की तलाश जहां से यह तस्वीर ली गई थी। यानी? अरे सुनो सुनो, बड़े चने खा के घोड़े जैसे ताकत पाएंगे हम लोग। वेरी चीप, 500 रुपीज वन बैंगल। हम वक्त रुकने का नाम नहीं लेते। अरे कहां जा रहे हैं हम? चलाती हो न, खाना खिलाती हो न, पानी पिलाती हो, जी करता है जहां तुम खड़ी हो वहीं से कूद के जान दे दो। थक गया हूं यार। वो यहीं खड़ी थी। अब क्या करें सरदार, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि आधे तुम्हारे आधे मेरे। क्या? अरे हजारों घर होंगे यहाँ। तो हर दरवाजे पे तो नहीं जा सकते ना? मैं सारे राजस्थान के दरवाजे पे जाने को तैयार थी, हजार दो हजार का क्या है? अरे देखो, हमें तो ये भी नहीं पता कि वहाँ रहते भी है या नहीं, शायद छुट्टी पे आए थे। ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा ना। भगवान, अच्छा रुको रुको, ये तो सरासर बेवकूफी है। शायद एक और तरीका है। जी, हम आपकी मदद मांगने आए हैं। धोखेबाज, चंद रुपयों की बात नहीं है, मेरा भरोसा चुरा के भागा था ये। पर वापस आने की हिम्मत भी तो की। हाँ, कोई शक नहीं, ये लोग राजपूत हैं। ये सोने की लौंग, ये सतरंगी पगड़ी, ये गले का कड़ा, इनके कपड़े, ये सब। कहा था ना, मास्टर जी राजस्थानी इतिहास पढ़ाया करते थे, अब रिटायर है। तुझसे किसने पूछा? नहीं, इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनकी साथ ये... मास्टर जी, मास्टर जी, क्या? मैं सोच रहा था अग्निवंशी नहीं नहीं होंगे। हाँ, ये अग्निवंशी हो सकते हैं। तुम्हें काम करो, यहां से 50 किलोमीटर दूर हाईवे 11 के उस पार सिरोगढ़ नाम का एक गांव है, तुम वहां चले जाओ, शायद वहां तुम्हें इनके बारे में कुछ पता लग सके। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मास्टर जी। आप बस बस यही रोक दो। रात को एक चुटकी पाउडर दूध के साथ ले लेना, सुबह अगर नया पलंग ना खरीदना पड़े तो पैसा वापस।
क्या ये शंकर सिंह का घर है? जी। मेरे पति और शंकर दोस्त हैं, थे। आइए। अच्छा हुआ जो मिलने चली आई। दुर्घटनाएं तो होती हैं, लेकिन हम पर बड़ी भारी गुजरी। बड़ा मुश्किल होगा आप सबको और शंकर की पत्नी को। वो है यहाँ? हाँ, मेरा भीतर है, काम कर रही होगी। तो आपके पति शंकर को कैसे जानते थे? आमिर और शंकर सऊदी में एक साथ रहते थे। उसके साथ? क्या वही है जो? जी, लेकिन जो कुछ भी हुआ जानबूझ के नहीं हुआ, वो एक हादसा था। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू यहाँ हमारे घाव को नोचने आई है? नहीं नहीं, मैं आप सबका दर्द समझती हूँ। निकल जा यहाँ से। मैं शंकर की पत्नी से बात करना चाहती हूँ। साली, जबान संभालो अपनी। देखिए, आप सबका गुस्सा जायज है, पर शराफत से तो बात हो सकती है ना। मैं मीरा से मिलना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता। खुदा के वास्ते मेरी बिनती सुनिए, मैं मीरा से बात करना चाहती हूँ। निकल जाओ यहां से। मीरा से कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या हुआ? अरे कुछ तो कहो। उसे मिलने का कोई तो तरीका होगा। मैं उसे एक बार बात कर लूँ ना, तो उसे मना लूंगी। हम यहाँ उसका इंतजार करेंगे और पता लगाएंगे वो कब और कहाँ आती जाती है। हमसे तुम्हारा मतलब है कि? तुम और क्या? मैं और क्या? तुम्हारे रिश्तेदार का घर है? हाँ, एक छोटा सा झूठ था। तुम्हारी सोबत में कहीं मैं भी झूठ बोलना ना सीख लूं। तुम तो मुझसे कुछ सीख नहीं रहे हो। अरे नहीं नहीं, ये सच नहीं है। अब उन्हें सीखा है कि औरत का लाइफ आदमी के लाइफ से कितना डिफिकल्ट होता है, मालूम? बात करते हैं। लेकिन ये मीरा की जिंदगी एकदम बेकार है। अच्छा हुआ अपन साला आदमी पैदा हुआ। चलो, आधी दुनिया पे क्या गुजरती है इसका कुछ तो एहसास हो रहा है तुम्हें? तुम औरतों के साथ ऐसा ही होता है क्या? तुमने अभी देखा ही क्या है। हाँ, मतलब हम लोगों की पत्नी मर जाती है तो हम दूसरी शादी कर लेते हैं, पर तुम लोगों का पति गुजरता है तो तुम बेरंग कपड़े पहनकर पूरी जिंदगी कैदी की तरह गुजारते हो। नौकरों जैसा काम, ना नाच ना गाना, और पूरी जिंदगी अकेले, किसी मर्द से संबंध नहीं।
सोचू तो भी डर लगता है। बताओ क्या पता लगा कर आए हो? दिन में एक बार बाहर जाती है मंदिर। मेरी मदद करो, खुदा के वास्ते तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ लेकिन तुम हो कौन? मैं बहुत दूर से आई हूँ। अच्छा आओ आओ। बैठो। अब बताओ परेशान क्यों हो? मैं मीरा दीदी, मीरा दीदी। तू फिर से स्कूल नहीं गई? ये कौन है? जा पानी ले आ। अच्छा कहाँ से आई हो? हिमाचल प्रदेश। वो तो बहुत ऊपर है ना, उत्तर में। हाँ मीरा दीदी पानी ले, बांध वहां। अकेले में बात करना है तो साफ कहो ना। अच्छा जाती हूँ। बहुत सुंदर है तुम्हारी जगह। हाँ उतनी ही जितनी तुम्हारी, लेकिन अलग। यहाँ की सुंदरता बड़ी अनोखी है, रूखी कठोर और उतनी ही निर्दयी जितनी है धूप। हाँ क्या खोज में आई हो? मेरा पति आमिर तुम्हें छोड़ आया है। हाँ और तुम समझती हो वो यहाँ कहीं मिलेगा? अगर तुम मेरी मदद करो तो। मुझे कोई और तो नहीं समझ रही ना? तुम्हारा पति नौकरी करने आया था तो फिर यहाँ जो नई फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं वही काम करने आया होगा। बाहर से कई मजदूर आए हुए हैं। तुम चाहते हो कि मैं चोपड़ा जी से बात करूं? चोपड़ा जी? वो जो फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो हमारी हवेली में रुके हुए हैं? गांव में कह रहे थे। तुम्हारे घर आई भी थी लेकिन घर वालों ने बाहर निकाल दिया। वो तुम थी जिस पर सब चिल्ला रहे थे? मुझे तो कहा कि तुम कोई भिखारण थी। भीख तो मांग रही थी। ठीक है मैं कुछ करती हूँ, लेकिन चोपड़ा जी आजकल यहाँ नहीं है, कुछ दिन में लौटेंगे। कुछ दिन तक रुक सकती हूँ। पानी लाई, तीन बांधी, अब क्या करूं? हाय मैं भूल गई, अभी आई। लीला बात कर रही थी, भूल गई। आप हमेशा ही ऐसा करती हो। हमेशा कहाँ ऐसा करती हूँ। खामा गनी, अब आप कहो गानी खामा। गानी खामा। आपके पति भी खो गए क्या? लीला कुछ ऐसा ही समझो। तो फिर आप भी इस पेड़ पे डोर बांधने आ जाना, वो लौट आएंगे। दिल को समझाने के कई तरीके होते हैं। मैं तुम्हें आमिर की तस्वीर देना चाहती हूँ, कल आओगी यहाँ? कोई शक, जेल से निकलने का एक ही तो मौका मिलता है। अच्छा चल। बहुत बोलती है तू।
तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए था। सच का झंडा तुम लहरा रहे हो। हमेशा क्यों ताना देती हो? जिंदगी में पहली बार हिम्मत हार बैठी। अगर वो ना कर देती तो इरादा क्या? पता नहीं, देखे क्या होता है। दोस्ती बढ़ाऊं, विश्वास जीतूं, शायद फिर उसे बताऊंगी। तो मतलब अब मेरा रोल खत्म? तुम रोज बाहर जाओगी, अपना काम करोगी, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वाह, गंगा उल्टी बहने लगी है यार, ये सरासर अत्याचार है। औरत का इस लव से बहुत गहरा रिश्ता है। तुम सब एक दिन मिलकर मर्दों की बैंड क्यों नहीं बजा देती? शायद एक दिन। मुझे चेतावनी जरूर देना, याद रहे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ख्याल रखूंगी। कैसी हो? अच्छी हूँ। मैं अभी आई। सलाम वालेकुम। सलाम। जवाब में तुम कहो वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल जाती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? पांचवी में। चल उठ, ये ले। ये है आमिर। क्या है? मुझे भी सुनना है, शायद कुछ सीख लूं। सीखने की इतनी मनोकामना है तो स्कूल बराबर जाया कर। ठीक है, कर लो अपनी खुशपुस। तुम्हारी बहन है? नहीं, शंकर को कहीं मिल गई थी। मिल गई थी कुएं में? लड़की है ना, शायद इसलिए फेंक दी गई। बेटियों का यहाँ क्या मोल, मुसीबत ज्यादा मुनाफा कम। हमारे यहाँ जो काम करता है पार्थ सिंह, उसने इसे गोद ले लिया है। लेकिन शंकर ना होता तो। तुम्हें उसकी बहुत याद आती है? इतना कि दिल में नहीं समाते। मुझे भी बहुत याद आता है आमिर। हमारी यादें एक जैसी कहाँ, तुम्हारी सोग में उम्मीद जो खुली हुई है। मुझे नहीं कहना चाहिए था, दुख दर्द का नाप तोल नहीं किया जाता। मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो मीरा। अच्छी वच्ची नहीं है, कितने दिन हो गए रसगुल्ले खाकर। पहले तो हम कितना खाते थे, अब कहती है पैसे ही नहीं है। डिला, रसगुल्ले तो मुझे भी पसंद है। चलो सबको आज मैं खिलाती हूँ। चलो। नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों? इजाजत नहीं है। किसकी इजाजत लेनी पड़ती है रसगुल्ले खाने के लिए? बात यह है कि हम कभी कभी हमें रोकने वाला सबसे बड़ा संतरी होता है हमारा अपना डर। जो मन चाहे वो ही नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि अपने आप के लिए जीना स्वार्थ है और अपनी ख्वाहिशों का गला घोटना गुनाह। कभी अपनी मन की बात सुनो, उसकी ताल से ताल मिलाओ तो जीने का मजा कुछ और ही है। जब रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, आंखें बंद करो और लगाओ छलांग, ईमान की छलांग। और अगर पार ना पहुंचू तो? अगर ईमान हो तो पार क्यों नहीं पहुंचोगी? ईमान की छलांग। देखा कितना आसान है। चलो। ख्वाहिश
क्षमा जली है शायद है ये दोस्ती या ईमान का असर शायद है ये दोस्ती या ईमान का असर आगे क्या लिखा हमको क्या खबर ईमान का असर ईमान का असर आगे क्या लिखा हमको क्या खबर ईमान का असर ईमान का असर मेरे हो मेरे तुम कह दो ना यू आर माय सोनिया कह दो ना यू आर माय सोनिया जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दिया यू आर माय सोनिया क्या बात है आज शंकर का जन्मदिन है तो चेहरा क्यों लटका है मैं वहां गली में नाच रही थी 2 महीने भी नहीं हुए और पता नहीं क्या हो गया है मुझे कुछ नहीं हुआ है तुम्हें मीरा मुझे देखो ऐसा क्या किया तुमने जो गलत था मैं नाच रही थी जीनत मैं खुश थी तो इसमें गुनाह क्या है मैं उसे भुला नहीं सकती कौन कहता है कि तुम उसे भुला रही हो थोड़ा सा हंस खेल लिया तो इसका ये मतलब तो नहीं विधवाएं शोक करती है जीनत नाचती नहीं तुम अपना दर्द उस तरह झेलो जिस तरह तुम्हारा मन कहे वैसे नहीं जैसे दूसरे चाहते हैं ये कैसा समाज है जो औरत को अपना दर्द भूलने ही नहीं देता उसके जख्मों पर प्यार का मरहम लगाने के बजाय हरदम उसे याद दिलाता है कि उस पर क्या बीती उसके कपड़े उसका रहन सहन उसके दोस्त सब बदल दिए जाते हैं ताकि उसे अपने दुख का एहसास होता रहे और मर्द पे बीती तो उधर मुंह फेरा और दूसरी शादी कर ली तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है मेरे साथ ये आसान लफ्ज मत जोड़ो मुझे जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं मिला है जमाने से अपना हक छीनना सीखा है मैंने देखो मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने फैसले खुद करना सीखा है सही या गलत अच्छा या बुरा फैसला मेरा है किसी और का नहीं क्योंकि ये जिंदगी भी मेरी है और मुझ में अपनी जिंदगी जीने की अपने फैसलों का अंजाम निभाने की हिम्मत है अब चलो बहुत हो गया बकवास शंकर का जन्मदिन मनाते हैं वो करें जो उसे पसंद था रूठो मत दोस्त हूं लड़ सकती हूं मना भी सकती हूं अब चलो कहां वो तो तुम बताओगी चलो तुम लोग डाकुओं के भेष में जाओगे और मैं पुलिस वाला मुझे तुम्हारे प्यार पर फख्र है और हमेशा रहेगा लंबे जुदाई चार दिनों का डाकू लोग गए मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज लोकेशन के पास ही है मामा जी
अब हम वहां चले। कहां? चलो ना, तुम्हें देर नहीं हो रही है। अपनी जिंदगी दूसरों के डर से ना जियो, अपने हर फैसले को अपनाना सीखो। सुनो, हमें दौरे ले चलो। 20 रुपए लगेंगे। पागल हो गए हो क्या? 10 रुपए नहीं हो क्या बुद्धू? सब उल्लू बना जाएंगे। 50 रुपए से एक पैसा कम मत लेना। आज की पहली सवारी है ना, आप कहती है तो 50 में ले चलता हूँ। बैठो। अच्छा मैं चलने ले आती हूँ, तुम यही रुकना। यहाँ कैसे पहुँचे? क्या बात है, हम छुपे रुस्तम है। हाँ। क्यों आए हो? अरे थक गया घर पे इंतजार करते हुए, कब बताने वाली हो उसे? जल्द बताऊंगा, अब अगर नहीं बताया ना तो मैं चला जाऊंगा। खुदा हाफिज़। ठीक है तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ, पर ज्यादा देर नहीं है। भेस तो बदल लिया, ऊंट चलाना आता है? अरे उड़ जाना, बात तो सुन, चल मैं आता हूँ। देख उड़ जा, अरे देख उनको जाना है, अच्छे लोग हैं, इनको जाना है, थोड़ा मेरा इज्जत का भी ख्याल रखना। 50 रुपए दे रहे। ऊंट बैठा ही रहेगा? ओ जी, बड़ा विचारशील ऊंट है, उलझन में है, 2 मिनट है, जाना है उनको, देरी हो रही है। बहुत हो गया तुम्हारा, चलो उठो। आपने तो इसकी उलझन यूं सुलझा दी है। चलो चलो। बड़े दिन बाद इतना मजा आ रहा तुम्हारे कारण। शंकर को झील के किनारे बैठकर डूबता हुआ सूरज देखना बहुत पसंद था, और जब सूरज डूबता था और चांद उभरता था तो वो कहता था, ए मीरा, एक दिन तू और मैं ऊंट पर बैठकर चांद के उस पार चले जाएं, जहाँ सिर्फ तू हो और मैं, जहाँ इतना प्यार हो जितनी यहाँ रेत, और जहाँ तुम्हें ये घूंघट ना पहनना पड़े। और वो हमेशा कहता था कि अगर औरतों को घूंघट पहनना पड़ता है तो मर्दों को भी कुछ ऐसा ही बोझ उठाना चाहिए। मैं कुछ कहूँ? क्या? जब बोझ उठाने की बात निकली है तो क्या आपने कभी ये पगड़ी पहनी है? एक बात कहूँ, तुम बहुत ही बुरे एक्टर हो, भैरूपियों की नाक कटवाओगे, तुम्हें देखते ही पहचान गई थी मैं। आपकी फरमाइश। ये भारती के विज्ञापन प्रसारण सेवा का जोधपुर केंद्र है, मीडियम वेव 1168 किलोहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए फिल्म बंटी और बबली का ये गीत, गायक है अनिशा जी, गीतकार गुलजार और संगीत दिया। रोको, क्यों, क्या हुआ? बैठाओ इसे, बैठाओ। कैसे? अरे वो रस्सी खींचो, ज इसे, ये खींचो, ज ऐसे बोलो, खींचो, क्या कहो, ज ज ज ज अ अ ज अ अ ज ज बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ गया शाबाश, चलो शाबाश। कहाँ जा रही है आप? मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मैं एक्टर चाहे जैसा भी हूँ, पर मैं नाचना जानता हूँ। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा। नजर आ रहा।
आया ना? हाँ, लेकिन इतनी देर हो गई, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? कह दूंगी मैं भजन सुन रही थी, अब नाटक शुरू होता है। कैसी औरत अपने दोस्तों के साथ नाचती है जब उसके शौहर की जान दांव पर लगी हो? वो जो जानती है कि उसे क्या चाहिए और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हो। बात अब उतनी साफ नहीं रही, वो सचमुच मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है और उससे इस तरह हकीकत छुपाना बुरा लगता है, जैसे किसी दोस्त को धोखा दे रही हूँ। आप क्षमा कीजिए, मैं इतनी रात का आपको दिक्कत दे रही हूँ। कोई बात नहीं, अंदर आइए। नहीं, यही ठीक है, बस छोटी सी बात है। मेरी दोस्त अपने पति को खोज रही है, समझती है आपकी फैक्ट्री में काम करता है, क्या आप पता कर सकते हैं? हाँ जरूर, मैं पूछताछ कर लूंगा। धन्यवाद। कहाँ मर गए थे? चिंता मत करो, मैं पुरुष हूँ, अपना ध्यान स्वयं रख सकता हूँ। शराब पीने की कोई खास वजह? हिम्मत बढ़ाने। एक महत्वपूर्ण बात कहनी थी। क्या कहना है? I love you। बकवास बंद करो बेवकूफ, चलो खाना खा लें। एक मिनट, ये जवाब मेरे किताब में नहीं था। नहीं, तुम ये नहीं कह सकती तुम। मैं जो चाहे कह सकती हूँ। हाँ ये ठीक है। अच्छा एक और बात कहनी है। मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा हो, अपने पति से प्यार करती हो, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहता था। अगर तुमसे मैंने कुछ सीखा है जीना तो ये कि अपने दिल की बात बताओ। शुक्रिया। अपने दिल की बात बताओ और ये जीना के आई लव यू। शुक्रिया। आप खाना खा लें। एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। मैं जानता हूँ जीनत कि तुम शादीशुदा हो। कल रात बहुत बकवास की क्या मैंने? हाँ मगर मीठी बकवास। मुझे जाना होगा जीनत। पता है, तुमने बताया था कल रात। हाँ पर पता नहीं कब लौटूं। मैं जानती हूँ, जितना तुमने मेरे लिए किया उतनी उम्मीद तो मैं किसी मर्द से नहीं रख सकती थी। उम्मीदें मैंने अपने बिरादरी का मान रख लिया। तुम्हें छोड़ते हुए बुरा लग रहा है पर मेरे मीठे प्यारे भैरूपे, बहुत याद आएगी तुम्हारी, लेकिन ये जंग मुझे अकेले लड़नी होगी।
आमिर के माँ बाप को फोन कर देना और कह देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये उनका फोन नंबर है। बता दूंगा, अपना ख्याल रखना। मजटी अमला पगला दीवाना रब्बा इतनी सी बात न जानो के वो मैडम चला चला कंगारा प्यार करती है सटे उपते वो मरती है मस्जिद में आके मस्जिद चचा जी मैं आके चचा जी अपने के गुड बाय अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। इन पुरानी हवेलियों की बात ही कुछ और है ना। क्यों जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं आप? नहीं नहीं, गलत समझ रहे हैं आप। मैं बस लेन देन की बात करने वाला था। अगर देने लायक मेरे पास कुछ और होता तो मैं यह हवेली किराए पर कभी नहीं देता। देने लायक है साहब, है। देखिए, मैं यहाँ महीनों रहता हूँ और सच पूछो तो कुछ अकेलापन महसूस हो रहा है, और फिर मर्द की ज़रूरतें भी होती है। सौदे की बात ये रही, मुझे मीरा चाहिए। वो यहाँ रहेगी, मेरा दिल बहलाएगी, और बदले में हवेली का जो 3 लाख का कर्ज है मैं उसे चुका दूंगा। और वैसे भी वो आपके लिए है ही क्या, एक नौकरानी? फैक्ट्री लग जाएगी बस उस वक्त तक ही, कुछ महीनों में दोनों वापस मिल जाएंगे, हवेली और बहू। मीरा सुंदर है और जवान भी, हवेली बूढ़ी और कुछ बच्चे को मरम्मत की जरूरत है। हर चीज की कीमत होती है और मुझे सौदा करने वाले पसंद है, तो 5 लाख पर हाथ मिलाएं। जानती थी तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। गड़बड़ हो गई जीनत, आमिर के माँ बाप से बात करके आ रहा हूँ। कई दिनों से खोज रहे तुम्हें, आमिर की सजा का दिन तय हो गया है। क्या? 2 दिन में उसे सजा दे दी जाएगी। कोई नटराजन है जो जयपुर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कहता है माफीनामा खुद ले जाएगा। हमें कल की गाड़ी से जयपुर जाना होगा माफीनामे के साथ। ऊपर वाले ठीक। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। कमागनी कहो, स्कूल में ये क्या बकवास सिखा रहे हैं? स्कूल में नहीं, जीना दीदी ने सिखाया। कौन जीना दीदी? वो जो रोज मीरा दीदी को मंदिर में मिलती है ना। देर कर दी? हाँ देर तो हो गई। मीरा, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी।
पहले दिन भी यही कहा था। मेरी मदद करोगी ना? ये भी कोई पूछने की बात है? पहले चलो, तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। शंकर ने मुझे दिया था उसका पहला तोहफा, मैं तो पहन नहीं सकती लेकिन कभी कभी निकाल कर देख लेती हूँ, कुछ रंग घुल जाता है। मैं चाहती हूँ कि जब आमिर मिल जाए तुम दोनों इसे ओढ़ो, मेरे और शंकर की तरह। प्रेम की निशानी है, प्रेमियों पर जचेगी। मैं इसे नहीं ले सकती, ये ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं? तुम्हारी दोस्ती ने मुझे क्या दिया है तुम समझ नहीं पाओगी। तुम चली जाओगी और शायद हम फिर ना मिले। ये रखोगी तो याद तो रहेगा कि राजस्थान में तुम्हारी एक दोस्त है जिसे अपने जीवन पथ ढूंढने की हिम्मत तो नहीं थी लेकिन तुम्हारे साथ रहकर उसकी एक झलक देख ली। हो सके तो तुम्हारी भी कोई निशानी देती जाना, क्या पता। मेरे पति के हाथों तुम्हारे पति की मौत हुई। मैं कब से तुम्हें बताना चाहती थी, खुदा गवाह है, लेकिन बता ना सकी। क्यों जीनत? जब पहले तुम्हारे घर गई उन लोगों ने मेरे मुंह पर थूक के मुझे बाहर फेंक दिया। घबरा गई कि कहीं तुम भी मिलने से इनकार ना कर दो। तुम्हें धोखा देने का मेरा इरादा कभी नहीं था। मुझसे क्या चाहती हो? ये माफीनामे के कागज है, अगर तुम इन पे दस्तखत कर दो तो आमिर की जान बच सकती है। तुम इतना सब कुछ जानती हो ना जीनत, तो क्या ये भी जानती हो कि किसी के दिल पर क्या गुजरती है जब घर से एक जीवित इंसान जाता है और वापस आती है उसके मरने की खबर, फिर उसका सामान, उसके कपड़े एक फटे हुए सूटकेस में ठूसे हुए। तो तुम बताओ, सब कुछ जानने वाली, अपनी जिंदगी खुद बनाने वाली जीनत, क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या करना चाहिए मुझे? अगर इन पर दस्तखत ना करूं तो निर्दयी मानी जाऊं, और अगर कर दूं तो उस अरमान को कुचल दूं जिसके सहारे जी रही हूं। नहीं मीरा, मैं मेरे आमिर को जानती हूं, वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। जानती हो मेरा सपना क्या है? कि मैं उस हत्यारे का गला काट दूं जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा पति, मेरा प्यार, मेरी आजादी। ताज्जुब हो रहा है ना, भोली भाली मीरा मरने मारने की बातें कर रही है। मैं तुम्हारा जज्बा समझ सकती हूँ, तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचती। तो तुम ये भी समझ सकती हो कि मैं इन कागजात पर दस्तखत करने से इनकार क्यों कर रही हूँ? अपना फैसला खुद करो, यही कहा था ना तुमने। लो, ये रहा मेरा फैसला। मैंने ये भी कहा था कि अपने फैसलों का अंजाम निभाना होगा, कर सकोगी? मीरा, मीरा मैं तुमसे विनती करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सही रास्ता अपनाना चाहिए? क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। आमिर ने जानबूझ के शंकर की जान नहीं ली, दोस्त है वो। जानबूझ के नहीं मारा तो क्या हुआ? मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना उसने, उसकी कीमत चाहिए मुझे। चाहे वो कीमत किसी बेगुनाह को चुकानी पड़े। हाँ तो भी, जो तुम्हारे पति ने किया उसकी कीमत भी एक बेगुनाह ही चुका रही है। तंग आ गई हूँ अपनी नादानगी से, बदला चाहिए मुझे। तुम्हारा कुरान भी तो यही कहता है ना, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान,
तो फिर फैसला हो चुका। वो ही कुरान ये भी कहता है कि माफ करना बदले से बढ़कर है। अगर तुम मुझे इतना बड़ा धोखा ना देती तो शायद मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को माफ भी कर देती। मुझे तुम्हारी दोस्ती पे भरोसा था, लेकिन तुम भी औरों जैसी निकली, दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने वाली एक मतलबी। मैं अब भी तुम्हारी दोस्त हूं। कहां मर गई थी? मैंने तुझे मंदिर जाने की इजाजत दी ताकि तुझे शांति मिले, और तू मेरे पीठ पीछे उस औरत को गले लगा रही है जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर डाली। औरत जात को आजादी नहीं मिलनी चाहिए। अपने पति के हत्यारे से दोस्ती करती है, मेरे बेटे के हत्यारे से? जीनत ने शंकर की हत्या नहीं की। हमसे जबान चलाती है। यह उसका दोष नहीं है, उस औरत की छाया पड़ी है, वरना इसकी तो चूने ही निकलती थी। आज से इसकी आजादी खत्म। तब तक घर से बाहर नहीं जाएगी जब तक हमारी मर्यादा का घाव भर ना जाए। कौन सी मर्यादा की बात कर रहे हैं आप? वही मर्यादा जिसके सहारे मेरे शरीर का सौदा करने जा रहे हैं आप इस हवेली के लिए, या वो मर्यादा जिसके बल पर मेरी जवानी का दाम लगाया जा रहा है? जब चाहा इस्तेमाल किया, जब चाहा फेंक दिया, जब चाहा घर की मर्यादा बना दी। ये सब होने के बाद भी आप मुझे नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कीमती हूं। मर्यादा की बात तो करते हैं, मगर आप जैसा बेशरम मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, मुझे छूने का अधिकार मैंने सिर्फ आपके बेटे को दिया था। Thank you.
क्या करूं दादी? तेरा दिल तुझसे क्या कहता है? क्या जानूं, दिल की आवाज को इतना दबाया है कि वो कब का खामोश हो गया। दिल कभी बोलना बंद नहीं करता, ध्यान से सुन, रास्ता वही बताएगा। शंकर की मौत ने मेरे हाथों से मेरी जिंदगी छीन ली, तो मैंने अपने दर्द से समझौता कर लिया, क्योंकि यही मेरी जिंदगी रही है, अच्छा या बुरा इसे ही निभाना है। क्योंकि बाहर की अनजान दुनिया से डर लगता था। हाँ, अपने आप को सांचे में डाले रखना आसान है, जिंदगी चलती है चलने दो, अपने जीवन की डोर किसी और के हाथ में रहने दो, लेकिन ये डोर जो मेरे हाथ में थमाई गई है, इसका मैं क्या करूं? कौन जीता है कौन मरता है इसका फैसला भगवान करे। मीरा क्यों? मुझे ये फैसला नहीं करना, मैं एक आम इंसान हूँ, चाहूँ तो स्वार्थी बनूँ, जिसने मुझे दर्द दिया है मैं उसे दर्द दूँ, मुझे फरिश्ता बनने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है? मुझे शक्ति नहीं चाहिए दादी माँ, मुझे अधिकार नहीं चाहिए। वो हमारे साथ खेल बहुत खेलता है ना? मेरे साथ कुछ ज्यादा ही। तूने जो भी निर्णय किया है बेटी, उस पर अटल रहना। ये तो मैं जीनत से सीख चुकी हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का? जा, कर जो तुझे करना है। और सुन, जो कुछ भी तू करने जा रही है वो एक इंसान ही कर सकता है। फरिश्तों के नसीब में ये सब कहाँ? जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने पापों को तेरे पुण्य से ढक लेने की कोशिश कर रही हूं। तू तो जानती है रणधीर तेरा सौदा अब जरूर करेगा। मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं। ये हुई ना बात मेरी बहादुर बेटी। जा। कहाँ जा रही है? मुझे जाने दीजिए सासू जी, किसी की जिंदगी का सवाल है। बाहर जाने की सोच भी मत, जरूर जाएगी। अपने सुहाग के घमंड में अपनी इंसानियत को मत भूल। याद रख, कभी तू भी चौखट के इस बार खड़ी हो सकती है। अब हट जा रास्ते से और जाने दे इसे।
मेरी प्यारी मीरा, तुमने ये चिट्ठी ढूंढ ली होगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। मैं यहाँ एक मकसद से आई थी। इस कोशिश में तुमसे झूठ बोला, धोखा दिया तुम्हें, लेकिन ये कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारा दुखी दिल और दुखे। एक बेबस औरत की मजबूरी समझ के मुझे माफ कर देना। मायूस जा रही हूँ, लेकिन खाली हाथ नहीं। तुम्हारी दोस्ती ने मेरा दामन भर दिया। तुम्हारे प्यार ने दोबारा एक नरमी सिखाई जो मैं जिंदगी से लड़ते लड़ते कहीं खो बैठी थी। मुझ पर जो बीत रही है उसकी दोषी तुम नहीं। तुमसे क्या शिकायत, तुम तो वही कर रही हो जो तुम्हारा हक है। कुछ दिनों में मेरा आमिर, लेकिन मैं जिंदगी में फिर जुट जाऊंगी। मेरे उसूल, मेरे फैसलों की जिंदगी। तुमसे तो जमाने ने यह अधिकार भी छीन लिया, ऐसा अधिकार जो हर इंसान को होना चाहिए। अगर मेरे बस में होता ना मीरा, तो मैं फिर से शंकर को वापस ला देती, तुम्हारी आजादी की डोर फिर तुम्हारे हाथ में थमा देती। लेकिन देने को है तो सिर्फ ये तावीज, जिसके सहारे मैंने जिंदगी के बड़े मुश्किल लम्हे गुजारे। उम्मीद है कि तुम्हें भी जमाने से लड़ने की ताकत दे दे। तुम्हारी जीनत।
Oh.